पिता धर्मेंद्र के नक्शे कदम पर चलते हुए अभिनेता सनी देओल ने भी इंडस्ट्री में अपना कदम साल 1983 में आई फिल्म बेताब के जरिए रखा। भले ही उनकी यह फिल्म लव स्टोरी पर बेस्ड फिल्म थी, लेकिन आने वाले समय में उन्होंने एक्शन से लबरेज कई सारी ऐसी फिल्में की जिन फिल्मों की खुमारी आज भी तरोताजा है और आज भी दर्शक उन सभी फिल्मों को पसंद करते हैं। यहाँ आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि सनी देओल बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक है जिनकी दीवानगी समय समय पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज वो बहुत ही कम व गिनी चुनी फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा उत्सुक हैं। आने वाले समय में वो तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनके जीजा के बारे में। अब आमतौर पर सनी देओल का परिवार हमेशा से लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करता है। सनी देओल के पिता धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, तो वही दूसरी ओर खुद सनी देओल भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फैंस से रूबरू होते रहते हैं। उनके छोटे भाई बॉबी देओल भी कुछ इसी तरीके के हैं। लेकिन सनी देओल के अगर परिवार के बाकी सदस्यों की बात करें तो उनके बाकी सदस्य लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करते हैं। सनी देओल की पत्नी पूजा देओल भी लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, साथ ही उनके बच्चे भी सोशल मीडिया से परहेज ही करते हैं। लेकिन बात करें सनी देओल के जीजा की, तो यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि सनी देओल के जीजा भले ही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, लेकिन उनको देखने के बाद आप भी कह सकते हैं कि यह बॉलीवुड के किसी खूबसूरत अभिनेता से बिल्कुल भी कम नहीं है। अब सनी देओल के परिवार से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि सनी देओल की सौतेली माँ हेमा मालिनी की दो बेटियां हैं, ईशा देओल और आहना देओल। लेकिन बात करना चाहेंगे ईशा देओल के पति यानी सनी देओल के जीजा के बारे में, जिनका नाम भरत तख्तानी है। और सनी देओल के जीजा भरत तख्तानी काफी हैंडसम और स्टाइलिश भी लगते हैं। अब भरत तख्तानी की बात करें तो ये बॉलीवुड से ताल्लुकात नहीं रखते। भरत तख्तानी देश के जाने माने बिजनेसमैन हैं और भरत तख्तानी के पिता का नाम विजय तख्तानी, साथ ही उनकी माता का नाम पूजा तख्तानी है। भरत तख्तानी और ईशा देओल एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे और ये दोनों कई सालों से एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे। इन दोनों ने एक दूसरे को काफी समझने के बाद साल 2012 में शादी कर ली थी। भरत तख्तानी ने बताया जब ईशा 13 साल की थी तब से ही उनका क्रश उन पर था। ये दोनों बचपन के साथ से ही एक दूसरे के जीवन साथी बन गए थे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि भरत तख्तानी कुछ समय पहले ही एक लड़की के पिता भी बने हैं। भरत तख्तानी की बात करें तो आज बिजनेस की दुनिया में उनका एक जाना माना नाम है। भरत तख्तानी ने अपनी मेहनत और लगन से उनके पिता के बिजनेस को काफी आगे तक पहुंचा दिया है। यदि हम भरत तख्तानी के लुक्स की बात करें तो दिखने में काफी हैंडसम और स्टाइलिश लगते हैं। वह हमेशा से स्टाइलिश अवतार में नजर आते रहते हैं। भरत तख्तानी और ईशा देओल की जोड़ी आपस में बहुत ही अच्छी लगती है और एक दूसरे के साथ काफी खुश भी नजर आते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि 2012 में जब ईशा देओल और भरत तख्तानी की शादी हो रही थी तो इस शादी में सनी देओल, बॉबी देओल और प्रकाश कौर में से कोई भी शादी में नहीं शामिल हुआ था। ईशा की शादी की सभी रस्में उनके कजन भाई और बॉलीवुड अभिनेता अभय देओल ने पूरी की थी।